नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, यह मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि परीक्षाओं में यही सब प्रश्न जो है दोहराए जाते हैं। हम कहेंगे यही सब प्रश्न जो है, ये सब प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने 15 में से कितने का सही जवाब किया है। हम आशा करते हैं आप इनमें से 15 में से 15 का सही जवाब दे सकते हैं। तो चलते फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। तो क्या है इस वीडियो में हम इस प्रकार से प्रश्न लेकर आए, जैसे एक वस्तु को 5270 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई। यदि उसने वस्तु को 6324 रुपये में बेचा होता तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत तो उसमें बताना है कि क्या होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम, अगर आप फ्रेंड्स इस रेलवे बैंक SSC CGL SSC GD MTS SSC CSL ITBP SSB BDO CPO अग्निवीर ALP टेक्नीशियन UPSSC आर्मी नेवी सीटेट UPBED बैंक PO ग्रुप डी एयरफोर्स ग्रुप XY RPF UP पुलिस दरोगा IB SSC स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जो यह मैथ का वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो और देरी ना करते हुए फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न जो होने वाला है वह दिया गया है A, B और C अलग अलग एक काम को क्रमशः 20, 35 और 30 दिन में कर सकते हैं। कितने कितने दिन में कर सकते हैं हम देख रहे हैं। तो ए जो है वह कर सकता है 20 दिन में, और बी जो है वह कर सकता है 35 दिन में, और सी जो है वह कर सकता है 30 दिन में। अगर हम 20, 35 और 30 का लेते हैं LCM, तो 20, 35 और 30 का LCM क्या निकल गया फ्रेंड, 420 निकल जाएगा। 420 अगर 420 में हम 20 का भागा देंगे तो यहाँ निकल जाएगा 21 निकल जाएगा, और 35 से जब भागा देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। अगर 30 से भागा देंगे फ्रेंड तो यहाँ पर निकल गया 14 निकल जाएगा। अब क्या कहा गया, अब कहा गया है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले और सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब बात करते हैं बी ने 8 दिन पहले, अब बी का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी एक दिन में 12 काम करता है, तो 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96। तो 8 का गुणा कर देंगे यहाँ पर कितने, 12 × 8 = 96, इसमें 96 और जोड़ देंगे। उसके बाद फिर क्या आ गया कि सी ने काम पूरा होने 12 दिन पहले, सी जो है 12 दिन पहले जा रहा है, तो 14 × 12 कर देंगे, 14 × 12 कितने निकल गया फ्रेंड, तो 14 × 12 करेंगे 168 निकल गया, 168 में और जोड़ देंगे, इसमें 68 और जोड़ देंगे, तो क्या 8 × 6 = 14 तो उसके बाद आएगा 9 × 6 = 15 आ जाएगा, 15 × 2 = 17 17 × 1 = 18 के यार आज अलावा एक, तो 4 × 1 = 6 तो 684 निकल के आएगा। अब जो 684 फ्रेंड्स यह आ रहा है, यह तीनों मिलकर काम करेंगे। 684 क्या है, अब यहाँ पर तीनों मिलकर काम करेंगे, तो 684 कितने कितने से काम करेंगे, तो हम कहेंगे 4 × 2 = 6 और 1 × 1 = 2 2 × 4 = 2 2 = 4 तो 47 की एफिशिएंसी से एक काम करेंगे 684 को, तो 47 से हम भागा दे देंगे, 47 से भागा दे देंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा डे, तो 47 से जब भागा देंगे हम 684 में 47 × 47 हम लेकर चले जाएंगे, 47 × 47 तो यहाँ बच जाएगा एक और इधर बच जाएगा 214। अब यहाँ पर हम लेकर जाएंगे 7 × 28 और 4 × 16, तो इसको लेकर जाएंगे 4 बार, अगर 5 बार जाते हैं तो 5 × 20 और 7 × 5 = 35, तो यहाँ पर 235 आएगा। तो अगर हम इसको लेकर जाते हैं फ्रेंड्स चार बार लेकर जाने पर यह निकल के आएगा 188 निकल के आएगा। तो यहाँ से अगर 14 में से अगर 8 को घटाते हैं फ्रेंड तो यहाँ पर निकल के आएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा, आप दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अब इसको लेकर जाए तो यह जाएगा 5 बार, आ जाएगा 5 बार,
तो यहाँ 5 बार जाएगा पीरियड। तो यहाँ देख रहे हैं अगर संख्या दशमलव के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो आगे वाली संख्या में 1 बढ़ जाएगा। तो यार लगभग आ रहा है, लगभग कितना आएगा फ्रेंड, लगभग 15 आ रहा है, लगभग 15 डेज आ रहा है। तो लगभग 15 डेज में बात करते हैं कि सभी तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया था, सभी साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया था, कुल काम कितने दिन हुआ फ्रेंड। तो हम कहेंगे कुल काम 15 दिनों तक हुआ है, कुल काम कितने दिनों तक, 15 दिनों तक काम हुआ है कुल काम। और उसमें बताया गया है कि वह जो बी ने काम पूरा 8 दिन पहले छोड़ दिया है और सी ने काम पूरा होने से पहले 12 दिन पहले छोड़ दिया है। अगर 15 में से 12 दिन हम घटा देंगे तो 12 दिन घटाएंगे तो 3 दिन जो निकल के आएगा वह तीनों मिलकर काम किए थे क्योंकि 12 दिन काम किया 12 दिन पहले, मतलब 3 दिन काम किया उसके बाद 12 दिन पहले, वही तो होगा 12 दिन पहले। तो सी ने निकल गया, सी तुरंत 3 दिन काम करने के बाद निकल गया। तो तीनों मिलकर कितने दिन काम किया साथ में, तो हम कहेंगे 3 दिन काम किया था। तो ऑप्शन नंबर डी है, वही सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य है। 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य है। तो हम कहेंगे जो विभाज्य होगी वह इन सबको हम कर देंगे गुणा। क्या कर देंगे फ्रेंड, गुणा कर देंगे। अगर हम 3, 5 और 7 और 9 से विभाज्यता देख लेते हैं कौन सी संख्या होगी, तो जिन संख्याओं के अंत में देख रहे सब तो 5 से विभाज्य, 5 से सब विभाज्य है। अब देख लेते हैं 3 से क्या, तो संख्याओं क्या होगा अगर 3 से विभाज्य, तो हम कहेंगे संख्या 3 से विभाज्य है। तो संख्याओं क्या होगा, 4, 5, 4, 9, 9 हो जाएगा और 1, 1, 2 या तो बिल्कुल नहीं है 3 से। अब इसके बाद देख लेते हैं फिर 3 से 5, 2, 7, 7, 2, 9, 7, 2, 9 तो या तो हो सकता है। अगर देखते 6, 2, 8, 1, 9 या भी हो सकता है, 5, 4, 9, 1 या नहीं हो सकता है। तो अब यह 9 से 6, 2, 8, 1, 9 या 9 से भी हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो हम कहेंगे अब 7 से चेक लेते हैं। 7, 7, 4, 11, 7, 4, 11, 42, 7, 6, 42, अब यहाँ पर 5 बच जाएगा, तो यार 7 से नहीं होगा। तो भाई जो ऑप्शन नंबर सी है यही विभाज्य होगा, 7 से करते थे 7, 7 और 7, 5, 12, 56 हो जाएगा, 7, 8, 56। तो यह कहेंगे सी जो है यह पूरी तरह से 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे सी आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक छात्र ने 35 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर पेंसिल का एक बॉक्स खरीदा। कितने पर, 35 इधर मूल्य लिख देंगे हम और इधर लिख देंगे कीमत। क्या निकाला है उसने, कीमत, तो मूल्य सॉरी यहाँ पर मात्रा लिख देंगे, मात्रा और आ जाएगा मूल्य, कीमत तो यही तो है कीमत। तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर मूल्य है 35 रुपये का और 35 रुपये में कितना खरीद रहा है, 10 मात्रा खरीद रहा है, 10 पेंसिल की मात्रा खरीद रहा है। इसको हम और सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटा ही है तो 5, 7, 5, 35 और 5, 2, 10, 7 अनुपात 2 का अनुपात निकल के आ रहा है। अब क्या कहा गया फिर, उसके बाद कहा गया है कि वह इस फिर खरीदा है उन सभी को 54 रुपये में 9 के पेंसिल में बेचा गया, या सी पी है या खरीदा गया। उसके बाद बेचा कितना गया, बेचा गया है 54 में और 9 पेंसिल, 54 में 9 पेंसिल, तो 9, 6, 54, 9, 6, 54, 9, 1, 9, 9 और 1 अनुपात यहाँ पर 4 निकल के आ रहा है, यह है एसपी। अब जो मात्रा है फ्रेंड्स, मात्रा दोनों में बराबर होती है, मात्रा क्या, जितनी मात्रा हम खरीदेंगे उतनी ही मात्रा हम बेचेंगे, तभी हम निकाल सकते हैं इसका लाभ और हानि हम निकाल सकते हैं। पहले हम मात्रा को हम बराबर करेंगे, मात्रा यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रही है, क्या मात्रा आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 2 मात्रा ले रहा है और यहाँ पर 1 मात्रा ले रहा है। तो हम कहेंगे इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो यह भी हो जाएगा, 2 से यहाँ पर गुणा किया, 2 से यहाँ पर भी गुणा कर दी, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा और यहाँ पर 7 लिखा गया है। तो लाभ कितने का हो रहा है फ्रेंड्स, तो 7 से 12 हो रहा है, मतलब 5 का लाभ हो रहा है, कितने में, 12 में, सॉरी 7 में, और गुड़े यहाँ पर 100% तो इस सौदे में बताया गया उसे 350 का लाभ हुआ। अब जो 5 यहाँ पर परसेंटेज नहीं बताया गया, यहाँ पर क्या गया 12, 5 बराबर लिखा गया है 350, तो 5 यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है, मगर यहाँ पर जो लाभ बताया गया वह 350 का लाभ हो रहा है, तो 1 बराबर आ जाएगा 70, 1 बराबर 70 निकल जाएगा। तो हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया बाक्स में कितनी पेंसिलें थी, तो बाक्स में पेंसिल मतलब 2 का रेशियो पूछा गया है, तो 2 का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा, 2 बराबर आ जाएगा 14, 140। तो बाक्स में कितनी पेंसिलें थी फ्रेंड, 140 पेंसिलें थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे डी आता सही जवाब। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है,
एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, 4/25 है, याद प्रतिशत ब्याज दर और वर्षों में अवधि को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं। तो दोनों ब्याज दर जो है और समय दोनों बराबर है, मतलब टी बराबर आर समान है। तो मूलधन का इतना प्रतिशत, साधारण ब्याज जो है मूलधन का इतना प्रतिशत, अगर यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन 25 है और ब्याज 4 है, मूलधन कितना है, मूलधन 4 है और ब्याज, मतलब कि मूलधन कितना 25 है और ब्याज कितना है 4 है। तो यहाँ से गुड़े टी गुड़े आर, आर क्या है, आर बराबर भी टी है। तो हमको क्या है, उधार देने की अवधि हमको टी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बटे 100 निकल जाएगा। तो यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे, 25 चौका 100, तो 4 चौक 16 और यहाँ से निकल जाएगा टी स्क्वायर बराबर कितना निकल गया, 4 चौक 16 निकल जाएगा। और यहाँ से टी बराबर निकल, टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। टी बराबर कितना जाएगा, 4 वर्ष में उधार दिया था, कितना हो जाएगा, 4 वर्ष निकल के आ जाएगा। 4 वर्ष किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक व्यक्ति 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर देता है, तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर क्या है, चाल बराबर होता है फ्रेंड दूरी बटा समय। अब दूरी क्या दिया गया यहाँ पर, 1800 मीटर दिया गया है और समय कितना दिया गया है, 5 मिनट दिया गया है, 5 मिनट दिया गया है। अब दूरी है 1800 मीटर और यहाँ पर 5 मिनट दिया गया है। अब इसको हम 1800 को बनाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया है। तो 1800 मतलब भागे, अगर हम 1800 को भागे कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1000 मीटर बराबर एक हज़ार मीटर बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, 1000 में 1000 किलोमीटर, मतलब कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यहाँ से गुड़े 1000 से हम भागा दे देंगे और ऊपर क्या जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे तो 5 है यहाँ पर, तो 5 मिनट है, मिनट को अगर घंटे में बदल दें तो 60 से भागा देते हैं, तो 60 जो है वह नीचे था और ऊपर चला गया। तो यहाँ से 1 2 3 0 है, तो 3 0 से 3 0 हम काट देंगे। तो यहाँ से काटा पीटी हम बचाएंगे, तो 18 है, 18 यहाँ पर हम 5 × 2 कर देंगे, 5 × 2 = 10 हो गएगा और यहाँ पर 6 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 हो जाएगा। 12 × 18 करेंगे फ्रेंड्स और बटे में 10 है, 12 × 18 करेंगे तो 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, 12 × 8 = 96, 12 × 9 = 12, 12 और 9, 12 अगर 9 करेंगे तो 21 निकल के आएगा और एक अंक बाद यहाँ पर बटे 10 है तो एक अंक बाद दशमलव लगाएं, तो 21.6 आ जाएगा इसका सही जवाब, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी आ जाएगी स्पीड। तो 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगाते हैं, उसके बाद चले जाएंगे फ्रेंड तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, 15 और 45 का तृतीया समानुपाती ज्ञात कीजिए, 15 और 45 का तृतीय समानुपाती क्या निकल जाएगा। अगर तृतीय समानुपाती की बात करते हैं, तृतीय समानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो सेकंड वाला दिया रहता है सेकंड वाले का वर्ग, तो 45 × 45 कर देंगे और बटे में जो है पहला वाला, तो यहाँ से निकल के आएगा तृतीय समानुपाती, तो 15 से काट देंगे, 15 × 3 = 45, तो 45 × 90 145 × 135 निकल के आएगा। तो तृतीय जो समानुपाती है वह 135 निकल के आ जाएगा, 135 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 5 × 8 = 5 × 8 = 40 हो जाएगा और गुड़े है 4/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो 1/2 गुड़े 25 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ से अगर करेंगे फ्रेंड्स 15 और 13 एक बार यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कहीं पर दिया रहता है, तो एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी होता है। तो अगर हम ए प्लस बी करेंगे 15 और 13 जोड़ेंगे तो 5 × 3 = 8 = 28 निकल के आएगा और ए माइनस बी करेंगे तो 2 निकल के आएगा, तो 28 और 2 करेंगे तो 56 निकल के आ जाएगा, कितना फ्रेंड 56 निकल के आ जाएगा। तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं और ज़्यादा, जब इन दोनों को और ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 28 × 56 = 28 निकल के आएगा, तो 28 × 25 करते हैं, तो 28 को हम तोड़ देंगे 7 × 4 में, 7 × 4 में क्यों तोड़े हैं, क्योंकि हमको सरला हो जाएगा, सरला कैसे हो जाएगा, जैसे 25 × 4 कर देंगे और गुणे में 7 कर देंगे, तो 2500 का कितना निकलेगा, 100 निकल जाएगा, 100 × 7 = 700 निकल के आ जाएगा।
700 किस ऑप्शन में, 700 हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जहां पर सही आता है। तुरंत उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, वह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं याद किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है, 3/5 भाग हम कर देंगे 54 है, तो 54 यहाँ से कैसे निकल गया, 18 तिहाई 54, तो 18 × 5 = 90, 1 बराबर निकल के अगर 90 निकल जाएगा। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है उसका 2/9 भाग गुड़े 90 × 2/9 बराबर कितना निकलेगा, 9 × 90 यहाँ पर 10 आ जाएगा और 10 × 2 = 20, तो यहाँ पर जो आने वाला है वह 20 निकल के आ जाएगा, 20 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही मार देंगे और तुरंत चले जाएगा फ्रेंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 25,110 की धनराशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8:9 है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है और सी और डी के हिस्सों का अनुपात 1:2 है। यहाँ से हम निकालेंगे अनुपात समनों का ए बी सी और डी, ए बी सी और डी का अनुपात क्या जाएंगे कर गया, यहाँ से देखते हैं कि 8:9, उसके बाद बी सी का 3:5, फिर सी और डी का 1:2। अब जहाँ पर जो नहीं है वहाँ पर हम उसको भर देंगे, जैसे यहाँ पर 9 नहीं है तो यहाँ पर 9 भर देंगे, यहाँ पर भी खाली है 9 भर देंगे, तो यहाँ पर इसके आगे वाला 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड 3 आ जाएगा। अब इन तीनों को हम कर देते हैं गुणा आपस में, तो 8 × 3 = 24, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, तो 8 × 9 = 45, 9 × 5 = 45 × 90, 45 × 90। अब यहाँ से हम तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है फ्रेंड, अगर हम तीनों को ऐड कर लेते हैं तो पूछा गया है बी और डी के हिस्सों के मध्य अंतर कितना, कितने का अंतर है बी और डी के मध्य अगर देखें फ्रेंड्स 27 से 90 अगर 90 बनाएंगे बी और डी के बीच का अंतर अगर देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ से अंतर बहुत लंबा आएगा, अंतर क्या आएगा, अंतर बहुत बड़ा आएगा, अंतर कितने का है फ्रेंड 63 का अंतर आ रहा है, कितने का 63 का अंतर आ रहा है, यहाँ से 63 का अंतर आ रहा है। अगर 63 का अंतर देखना है तो वह उसमें 63 उस संख्या में 63 का गुणा होगा, अगर 63 का गुणा हो रहा है तो हम कहेंगे उसमें 9 और 7 का गुणा होगा, कितने का 9 और 7 का गुणा होगा, तो देख लेते हैं 9 और 7 से विभाज्य होने वाली जो संख्या होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहली संख्या देखते हैं 5, 2, 7, 7, 4, 7, 3, 10, तो या तो बिल्कुल 9 से नहीं विभाज्य है, अगर दूसरी संख्या तो 5, 5, 10, 8, 18 या तो हो सकती है, इसको देते 5, 1, 6, 6, 3, 9, 1, 10 या तो नहीं हो सकती है, 7, 6, 7, 5, 12, 12, 6, 18 या भी हो सकती है। अब ए और सेकंड को देखते हैं, अगर इसमें ए वाले बी वाले देते हैं, बी वाला अगर 7 से विभाजित है तो 7, 7 × 9 = 7 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 15, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 1 = 15, 10 आ जाएगा, 7 × 9 = 7, 3 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, तो या तो विभाजित है 7 से। अब इसको देख लेते हैं सेकेंड थर्ड डी वाला, तो 7, 7, 7, 9 = 63, 7, 8 = 56, 56 = 4, 4 = 47 होगा, 4 × 6 = 42, 42 + 2 = 25 बच जाएगा, तो या तो बिल्कुल नहीं विभाज्य, तो हम कहेंगे जो विभाज्य वो ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कितना अंतर है, हम कहेंगे 85.05 का अंतर है, 85.05 का इन दोनों के मध्य में अंतर होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जब धनात्मक संख्या, क्या फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वस्तु को 5,270 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई, यदि उसने वस्तु को 6,324 में बेचा होता तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। इसको हमको उल्टा सोचना है, क्या सोचना है, उल्टा सोचना है, 5,270 रुपये की लाभ हो रही है, कितने में हम कहेंगे वह हो रहा है 15% की हानि, 15% मतलब 85%। अब फिर कहा गया उस वस्तु को, याद उसने वस्तु को 6,324 में बेचा होता, 6,324 में बेचा होता तो उसे कितने परसेंट का हानि होता, तो यहाँ से देख लेते हैं 1% बराबर, हम देखेंगे यहाँ से 1% बराबर आ जाएगा 85% बटा 5,270। अब हमको निकालना है 6,324 में बेचने पर, 6,324 से हम गुणा कर देंगे 6,324, तो यहाँ से जब काटा पीटी हम मचाएंगे फ्रेंड, पहले काटा पीटी मचाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 5 से 17 × 85 = 17 17 × 85 = 85 आ जाएगा, फिर 17 से काटेंगे 17 17 14 17 51 51 हो जाएगा।
और 17 का नम 17 310 आएगा, 300 फिर इसको फिर 5 से काटें, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30 निकल के आएगा। उसके बाद 1 31, 1 निकल के आएगा 31 तो 10 हो जाएगा, 10 निकल 10 क्या हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 5 2 10 यहाँ पर 62 निकल के आएगा, 62 निकल के आ जाएगा। अब इसको हम जैसे 31 से काटेंगे तो 31 से काटेंगे फ्रेंड्स, 31 से काटेंगे इसको तो 31 से काटेंगे तो 31 दूना 62, तो 31 से काटेंगे इसको तो 31 करना में 31 दूना 62, 1 बच गया यहाँ पर, 12 हो गया तो 12 हो गया यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद आएगा यहाँ पर 12 हो गया 12 124 आ गया, 124 आ गया तो इसको लेकर आते हैं फ्रेंड, 4 करना 4 और 4 3 12, इसको लेकर 4 बार, तो 4 बार कट गया है। तो यहाँ से इसको फिर 2 से काटे हैं, 10 दूना 20 और 2 दूनी 4, 102 निकल के आएगा, 102 मतलब कि 102% का लाभ निकल के आएगा। उसको लाभ कितना होगा फ्रेंड्स, तो लाभ या हानि उसको हुई है 102% टोटल निकल के आ रहा है, तो 102% मतलब कि 2% का उससे लाभ हो रहा है। 100 तो हमारा जो है 100 तो वहाँ पर सीपी हो जाएगा, मगर 2% का जो लाभ है वह 2% का लाभ निकल के आया। 2% किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 है, जब एक धनात्मक संख्या एक्स वाई और जेड को 31 से विभाजित किया जाता है, कितने से 31 से विभाजित किया तो क्रमशः 17 24 और 27 शेष फल प्राप्त होता है। तो जो शेष फल प्राप्त होता है फ्रेंड्स वही हम मान लेते हैं संख्या है, वही क्या मान लेते हैं, वही हम संख्या मान लेते हैं, जैसे वही हम क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, वही हम संख्या को मान लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, अब इसको विभाजित कर देता है 31 से तो क्या निकल के आता है, 31 से विभाजित करते हैं पर तो क्या आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है 17 24 और 27 से इस फल प्राप्त होता है। और फिर बताया गया उसके बाद फिर 4x और माइनस का 2y और प्लस का 3z, तो यहाँ से 31 से इसको विभाजित करेंगे तो 100 क्या शेषफल निकल के आएगा। अगर हम इसको गुणा करते हैं फ्रेंड्स आपस में, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अगर आपस में गुणा करते हैं तो 17 चौका 68 निकल गया, 68। अब यहाँ से जो माइनस है माइनस लिख देंगे, फिर 24 दूना 48 प्लस 27 गुणे 37, 27 गुणे अगर हम 3 करते हैं, 27 गुणे 3 तो 27 गुणे 3 करेंगे फ्रेंड्स तो 27 81 निकल जाएगा, 81 हो जाएगा। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो इन सबको जोड़ने पर और इसको घटा देते हैं, 48 को हम घटा देते हैं तो इन दोनों को जोड़ देते तो 149 आएगा, माइनस का 48 तो बराबर का 101 निकल के आ रहा है, 101 निकल, और इसको हम 31 से विभाजित कर देंगे, कितने से 31 से विभाजित करेंगे तो 31 से विभाजित करेंगे तो 31 अगर तिहाई करते हैं 31 तिहाई 93, 31 तिहाई करेंगे तो 93 आ जाएगा, तो 93 से यह कितना जाता है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे 93 से यह 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त होगा वह 8 प्राप्त वर्ग के आएगा। तो किस ऑप्शन में है शेषफल 8, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ से सही जवाब कर देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे 2 या सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है तो 2/3 / 3/7 गुड़े मतलब 14/5 गुड़े 3 मतलब 3 * 3 = 5 / 5/3 माइनस 3 2 3 * 6 = 7 / 2 माइनus 7 * 6 = 12 = 13 तो यहाँ से इन दोनों को पहले किससे सॉल्व करें, पहले जो अंतर ब्रेकेट है उसको हम सॉल्व करेंगे, पहले छोटे ब्रेकेट सॉल्व करते हैं। छोटा ब्रेकेट क्या है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं छोटे ब्रेकेट में तो 3 * 6 = 7 / 2 और माइनस 6 * 12 = 13 / 6 तो यहाँ से 6 हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम तो यहाँ पर हो जाएगा 7 * 3 = 21 माइनस 13 में से जब 13 को घटाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ बचेगा 8 8/6 इसको और सॉल्व करेंगे मतलब 4/3 हो जाएगा, 4/3 निकल के आ जाएगा। अब 4/3 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स 4 3 3 * 3 और 2 5 5/3 लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया फ्रेंड्स 5/3 लिखा गया है माइनस 4/3 और उसके बाद क्या है गुड़े 14/5 फिर उसके बाद आपकी क्या सॉल्व होगा, आपकी आप वाला सॉल्व होगा मतलब 3/7 तो 7 इसको काटेंगे 7 * 2 = 14 काट देंगे 3 से 3 काट देंगे और 5 से 5 काट देंगे यहाँ पर तो 2 से 2 काट जाए 2 से क्या निकल गया फ्रेंड्स तो 2 - 4/3 करेंगे तो क्या निकल गया 3 * 2 = 6
छः में से चार घटाएंगे, छः में से चार घटाएंगे तो दो बटा तीन निकल जाएगा, दो बटा तीन। और यहाँ पर क्या लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बटा तीन नहीं लिखा गया, दो बटा तीन लिखा गया और भागे है बीच में, तो बीच में भागे है तो दो बटा तीन को हम दो बटा तीन से भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से भागा देंगे तो यहाँ गुणे में बदल जाएगा, तीन बटा दो से हो जाएगा, तो दो से दो चला जाएगा, तीन से तीन चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बच गया। तो एक किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है कुछ इस तरीके से, जैसे दिया गया है 5 6 की पावर 25, 6 की पावर 25 लिखा गया है और गुड़े 5 की पावर 25, मतलब कि 6 की पावर लिखा, 625 लिखा गया, पावर में 0.07 और गुड़े 625 की पावर 0.18 लिखा गया है। कितना लिखा गया फ्रेंड, 1.8 लिखा गया है। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से अगर मतलब उसका जो है अगर उसका बेस समान है, बेस समान है तो गुड़ा का आपस में क्या होता है, जोड़ देता है। गुड़ा का आपस में क्या होता है, जो घात है घात का आपस में जोड़ लेते हैं। तो घात का आपस में जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ से 7 में अगर 8 जोड़े हैं, 18 जोड़ते हैं तो 18 और 7 जोड़े, 8 7 15 और 1 1 1 1 2 निकल के आएगा, 2 2 मतलब 25। अगर हम 0 बदलते हैं तो 10 मतलब हटाएंगे यहाँ से तो 0 आ जाएगा, 00 बढ़ेगा तो यहाँ से काटेंगे तो 25 1/4 निकल के आएगा, मतलब 1/4 निकले तो 625 की पावर 1/4 लिख देंगे। तो 1/4 अब 625 किसका फ्रेंड्स है, या 1/4 हम तो कहेंगे या 5 का अगर 4 बार गुणा करते हैं तो आ जाएगा 625, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से जो निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आप 5 निकल के आएगा। अगर 4 है तो घात के ऊपर घात लिया, घात का आपस में क्या होता है गुणा हो जाता है, तो 4 चलाएगा अंश में, नीचे बचेगा 4, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही काट दिए हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। 5 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है सही जवाब, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का अंतर 20 है, 2 संख्याओं का अंतर क्या दिया फ्रेंड्स, 20 दिया गया है, यदि उनका लासा, उनका लासा जो है 240 है और मासा जो है वह 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 संख्याओं का अंतर क्या है फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं एक संख्या क्या है हमारी, एक संख्या है हमारी ए और एक संख्या है बी। अगर हम इसका एलसीएम बात करते हैं, इसमें 20 ए हो जाएगा और माइनस 20 ए हो जाएगा, मतलब 20 ए मतलब माइनस 20 बी, ए माइनस बी निकल के आ जाएगा, ए माइनस बी, तो 20 ए माइनस 20 बी बराबर कितना है, 20 दिया गया है, तो यहाँ से 20 ए माइनस बी बराबर निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, 1 निकल के आएगा, यहाँ से 20 से जब 20 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो कितना 1 बचेगा, तो ए माइनस बी बराबर 1 आ रहा है, ए माइनस बी बराबर 1 आ रहा है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया याद उनका लासा जो है लघुत्तम समारोह तो 240 है, अगर हम इसका लासा निकालते हैं ए और बी का, ए और बी का लासा कैसे निकलेगा, अगर हम ए और बी का लासा निकालते हैं तो 20 ए बी बराबर निकलेगा, अगर हम इसका और इसका दोनों का लासा निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 20 ए बी निकल गया, 20 ए बी बराबर निकल गया 240 निकल गया, तो यहाँ से 2 0 0 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से 2 काटेंगे, 2 का 9 2 2 4, तो ए बी बराबर निकल के आएगा 12। अब दो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसका अगर गुणा करेंगे तो 12 आएगा और जोड़े या घटाए 1 आएगा, तो हम कहेंगे जोड़ने या घटाने पर 1 आ रहा है तो वह है 4 और 3, ए बराबर 4 हो गया और बी बराबर 3 हो गया। तो पूछा क्या गया, तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है 4 आएगी, बड़ी संख्या 4 आएगी, अगर 4 में हम एचसीएफ का गुणा कर देते हैं मासा का, तो मासा कितना है 20 है, तो 20 चौक 80, एक संख्या 80 आ जाएगी और एक संख्या तो आ जाएगी 20 3 60 60 आ जाएगी। तो बड़ी संख्या पूछा गया, बड़ी संख्या क्या है 80 है, 80 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, याद किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो 62% और 80% के बीच का अंतर हम निकाल लेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से निकल गया फ्रेंड्स हम देख रहे हैं 18 का अंतर आ रहा है, 18% बराबर दिया गया है 198 दिया गया है। अब आगे क्या पूछा गया, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, 92% और 56% के बीच का अंतर कितना जाएगा, अगर हम 92 से 56 को घटाएंगे फ्रेंड तो यह आ जाएगा 36%, तो 36% का वैल्यू हमको ज्ञात करना है कि क्या निकल के आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स,
18 से 36 बन रहा है, या 18 से 18% का दिया है और 36% का पूछा गया है, तो हम कहेंगे या इसका दो गुना, इसमें हम दो से गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार से हम जब उधर दो से गुणा करें तो इधर भी हम दो से गुणा कर लेंगे। तो 8 × 2 = 16, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 1 = 19 और 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 = 3, तो 396 इसका निकल के आएगा आंसर। तो 396 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, तुरंत उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया है वह फ्रेंड्स होता है होमवर्क। फ्रेंड्स जो अंत में प्रश्न होता है वह प्रश्न अंत में होमवर्क के तौर पर हम पूछते हैं। तो होमवर्क को आपको कमेंट करके बताना होता है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। जैसे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाएगा। धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए।